नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया, मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। T20I वर्ल्ड कप 2021 के बाद टीम इंडिया में कई सारे बदलाव होने जा रहे हैं, जहां विराट कोहली टीम की कप्तानी छोड़ रहे हैं। इसके अलावा पूरा कोचिंग स्टाफ भी बदल जाएगा। टीम इंडिया को नया कप्तान और उप कप्तान मिलने वाला है। कप्तान के रूप में तो रोहित शर्मा का नाम लगभग तय है, लेकिन टीम का उप कप्तान कौन होगा इसको लेकर संशय बना हुआ है। उपकप्तानी के लिए केएल राहुल और ऋषभ पंत का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन वीरेंद्र सहवाग इन दोनों की जगह जसप्रीत बुमराह को इस रोल में देखना चाहते हैं। बुमराह टीम के सीनियर गेंदबाज हैं और सहवाग को लगता है कि उनमें लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी है। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों ही इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी अपनी फ्रेंचाइजी टीमों की कप्तानी कर चुके हैं, जबकि बुमराह के पास कप्तानी का कोई अनुभव नहीं है। क्रिकेट बस के एक शो में सहवाग ने कहा, आप अपना कप्तान या उपकप्तान उस खिलाड़ी को बनाते हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलता हो, तो ऐसे में बुमराह से बेहतर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल और पंत भी इस रेस में शामिल है, लेकिन क्या ये दोनों तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं? क्या वो उस कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते हैं जैसा बुमराह करते हैं? सहवाग ने आगे कहा, इंडियन क्रिकेट में ऐसे बहुत कम मौके आए हैं कि मुझे लगता है कि कपिल देव इकलौते ऐसे तेज गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने टीम की कप्तानी संभाली है। फिर अनिल कुंबले कप्तान बने, इन दोनों के अलावा कोई गेंदबाज कप्तान या उपकप्तान नहीं बना। अभी भी समय है कि वाइस कैप्टन के रोल में बुमराह बेस्ट लगते हैं। जो भी कप्तान चुना जाए, मुझे लगता है बुमराह को उपकप्तान बनाया जाना चाहिए। आपको बता दें, T20I वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की शर्मनाक विदाई हुई और इसके बाद टीम इंडिया को अब न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज और टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, जिसमें बुमराह का भी नाम चल रहा है। अब देखना है BCCI टीम का नया कप्तान और उप कप्तान किसे नियुक्त करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।